पिता है। क्षमावाणी पर्व है और हम इस समय मौजूद हैं विदिशा में, जहां पर हमारे साथ हैं जैन धर्म के सर्वोच्च आचार्य विद्यासागर महाराज जी। उनसे हम बात करते हैं। महाराज, एक बात लगातार चलती रहती है भारत की और इंडिया की, क्या आपका इस पर? इंडिया का उद्भव कब हुआ, किसके माध्यम से हुआ और इस प्रकार के नामकरण में उद्देश्य क्या, ये कम से कम तीन बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं। जब बीच में ही इसका उद्भव होना हुआ है तो कब हुआ ये तो और निश्चित करना आवश्यक होता है। जब तक भारत अनेक भागों में विभाजित होकर के अपना कार्य करता था, अपना इतिहास भी रचता था और विश्व के ऊपर उसका प्रभाव भी अपने ढंग से था, ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर इस ढंग से परिवर्तन का समय क्यों आया तो ज्ञात होता है। जब से ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग जिसको बोलते हैं, उनका आना हुआ व्यापार के उद्देश्य को लेकर के, और उनका व्यापार की जो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया, तब तक भारत का कोई नाम इंडिया के रूप में प्रचलन नहीं हुआ। व्यापार की नीति को लेकर के फिर बाद में नामकरण परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, तात्कालीन कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व को रखने वाले व्यक्तियों ने इसको समझा नहीं। यह अवश्य है कि बहुत दीर्घकालीन उन लोगों का व्यापार की नीति को लेकर के भीतर ही भीतर यह देश के इतिहास को परिवर्तित करने का एक रचा हो। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं इस कंपनी के नामकरण के कारण इसमें इस प्रकार का परिवर्तन हो असंभव जैसा लगता है। फिर भी आप लोगों ने इसकी ओर गौर नहीं किया और उन्होंने अपना जो संकल्प या विकल्प जो कोई उद्देश्य हो उसको उन्होंने कामयाब करने में अपने आप को सफलता प्राप्त कर ली। इसके उपरांत दुनिया में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, भारत में तो भाषा बाहुल्य है। कहीं भी यह समझ में नहीं आता कि नामकरण का अनुवाद होता हो। इंडिया या भारत का अनुवाद है, यदि अनुवाद नहीं है तो इसके पीछे इंडिया रखने का क्या उद्देश्य। मैं मानता हूं कि अमेरिका इत्यादि में भी इंडिया और इंडियन के प्रचलन हैं। क्या उसी प्रकार भारत को, भारतवासियों को स्वीकारने का कहीं उद्देश्य तो नहीं था? अन्यथा अमेरिका में जैसे इंडियन हैं और इंडिया उस क्षेत्र का नाम रखते हैं तो उनका कोई उद्देश्य होगा, उसका भी अवलोकन करना चाहिए। लेकिन उसको तो एक प्रकार से इसी रूप में स्वीकार करते हैं, वो ऑफेंसिव कहते हैं, दास हैं, सेल्फ
जो दास के रूप में स्वीकारते हैं, ऑफेंसिव एक प्रकार से विरोधी तत्व के रूप में स्वीकारते हैं, और ओल्ड फैशन्ड ये शब्द रखते हैं। इसका अर्थ तो सही सही अर्थ यही निकलता है, अनुवाद यदि करते हैं इसका तो पुराने धर्म के कोई विरोधी तत्व है, आपराधिक तत्व है, यह अर्थ होता है। अब एक शब्द और भी आता है जो ओल्ड फैशन क्रिमिनल पर्सन, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और देखना था लेकिन उसका इतिहास मिल गया, इसे सुनते हैं। उनके कहने के अनुसार मैं ये कह रहा हूं, ये तीन शब्द एक दास के रूप में स्वीकारना इंडियन को, भले ही इंडियन वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अमेरिका के स्थान है उनके लिए लागू होता हो, लेकिन यह इंडिया यह भारत के लिए लागू किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य? यहां पर कैसे आपने देखा यहां के निवासी वहां पर इस प्रकार क्रिमिनल है अथवा वे एक प्रकार से विरोधी तत्व है या दास के रूप में, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं इसके बारे में गहराई के साथ अभी तक चिंतन नहीं किया गया, यदि कर रहे हो तो बहुत विलंब किया जा रहा है, इसका बहुत जल्दी परिणाम घोषित होना चाहिए, और इसके पीछे भारत के किसी भी अंग को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं, आमूलचूल सारा सारा व्यक्ति जो भारतवासी है अपने आप को मानता है उस सबको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें न किसी भाषा से हमारा कोई विरोध हो रहा और न ही किसी परंपरा से विरोध हो रहा, जिस भारत को आमूलचूल आप इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और इतिहास एक ऐसी वस्तु है हमेशा हमेशा जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी शब्दों के माध्यम से वो लिखा जाए, इसलिए जब किसी भी भाषा में भारत का अनुवाद इंडिया के रूप में नहीं हो सकता तो शब्द का अर्थ तो फिर भी परिवर्तित हो सकता है, और ना नाउन हो तो संज्ञा को भी हम कर, लेकिन संज्ञा कभी भी किसी भाषा में परिवर्तित नहीं होता। जैसे आपका नाम शुभमा नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा का कोई अनुवाद होता है? नहीं होता। तो भारत का है यह एक नाम है, नामकरण है, कब से रखा है इसका अपना इतिहास ही मिलना मुश्किल है। इसमें व्यापक रूप से भारत को भारत के रूप में स्वीकार किया गया, ये मैं मानता हूं। बीच में हिंदुस्तान भी प्रचलन में आया, वह भी किसी एक स्थान विशेष को लेकर के कहा, और वह भी भाषा का एक अपेक्षा से आया, जैसे सिंध से ही का उच्चारण करके सिंध हुआ और स्थान का नाम हिंदुस्तान हुआ। जैसे सप्ताह होता है और वह हफ्ता था, उससे सप्ताह बना, इस भाषा कहती है इस ढंग से इसका परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार यदि मान लो हिंदुस्तान हो गया सिंध हो गया तो हमें इससे ऐतराज नहीं, लेकिन इसके भी इतिहास है। किंतु भारत का बहुत अनादिकाल से यूं कहना चाहिए कोई बिगनिंग लेस है, वो कोई भी उसका आदि नहीं, सभी को स्वीकृत है। हम इसलिए कहना चाहते हैं वो गलत क्या है आपके सामने आ रहा है। अहिंसा एक प्रकार से रक्षा का एक शस्त्र है। रक्षा किसकी? एक धर्मात्मा की, एक नीति निपुण की, एक देश के लिए सूत्रधार का काम करता उसकी, एक शिक्षा की जो शिक्षक है उसकी रक्षा करेंगे, हम अहिंसा के माध्यम से कर सकते हैं। यदि गैर लाइन चला जाएगा उसकी रक्षा आप नहीं कर सकोगे, ध्यान रखो। पिस्तौल रख करके वहां का शिक्षक अमेरिका का पढ़ाता है, यहां पर चरण स्पर्श करके पढ़ाते थे, शिक्षा वो भी ले रहा, शिक्षा यहां पर भी मिलती थी, क्या आप उसका अनुकरण करोगे? आप पिस्तौल की क्या आवश्यकता? इसीलिए आप शिक्षा क्यों और किसकी, किसके द्वारा और किसको, ये प्रश्न पूछिए आप, ये कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मैं इन सब नीतियों को कुछ नहीं चाहता, आप बने स्वीकारो, मैं स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं, और मैं इसको अहिंसा को जो होगा वह कभी भी, देखो जितने भी क्षत्रिय हुए हैं हमारे तीर्थंकर जितने भी हो सारे सारे क्षत्रिय हुए हैं, तराजू पकड़ने वाला नहीं हुआ, ध्यान रखो, उन्हीं को हम तीर्थंकर मानते हैं। तराजू पकड़ने का अर्थ जो है ना, अर्थ की ओर उसकी दृष्टि चली गई, तराजू जो पकड़ रहा है वो कैसा पकड़ रहा है, ये क्षत्रिय कैसा है ठीक पकड़, नहीं तो देख ले शास्त्र है यहां पर, बस शास्त्र चलाने के लिए नहीं, उस
बनिया को ठीक करने के लिए। साफ तौर पर आचार्य श्री की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर आते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत विडंबनापूर्ण है, और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नाम के क्षेत्र में हो या फिर कालेधन को लेकर हो, उन सब में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। समय के लिए कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ विदिशा से वो वीरेन शर्मा।